इन दिनों जमीन सर्वे को लेकर भाग दौड़ मची, चर्चा का विषय बना हुआ है, लोग परेशान हैं, दिल्ली कलकत्ता मुंबई से दौड़े दौड़े बिहार आ रहे, लेकिन सरकार भी शांत नहीं है। सरकार भी आम लोगों को दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, इसको लेकर प्रतिदिन कुछ न कुछ सहूलियत जरूर करते आ रही है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। हम आपको बता दें, जमीन सर्वे को लेकर जो कार्य चल रहे हैं, अगर आप परेशान हैं तो आपको यह वीडियो देखनी चाहिए। दूर होगी भूमि सर्वे की दिक्कत, अब अमीन साहब सीखेंगे कैथी लिपि। तो विस्तार से हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ इसमें है बातें। बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण कार्य जो है उसको लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है, भाग दौड़ मची हुई है। दिल्ली मुंबई से पटना वापस लोग आ रहे हैं, बिहार वापस आ रहे हैं, अपने गांव वापस आ रहे हैं। तो बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण के दौरान सबसे बड़ी समस्या जमीन के पुराने कागजात पढ़ने में आ रही दिक्कत की हो रही है। ज्यादातर कागजात जो है कैथी लिपि में है, कागज में कैथी लिपि के जानकारों की कमी के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना है, परेशानी झेल रहे हैं। इसी समस्या को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब 26 जिलों में अमीनों और कानूनगों को कैथी लिपि का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। BHU के रिसर्च स्कॉलर प्रीतम कुमार और छपरा के बकार अहमद को प्रशिक्षण देने की जिम्मेवारी दी गई है। यह प्रशिक्षण 17 से 19 सितंबर तक चलने वाला है। हर जिले में 3 दिनों तक ट्रेनिंग होगी। पश्चिमी चंपारण से इसकी शुरुआत होने जा रही है, हो चुकी है। प्रशिक्षण में विशेष सर्वेक्षण अमीन और कानूनगो को भाग लेंगे। यह प्रशिक्षण जो है जिला बंदोबस्त कार्यालय की ओर से जिला मुख्यालय में दिया जा रहा है। भूमि व राजस्व विभाग के निर्देशक ने इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया है। पत्र के अनुसार नव नियोजित विशेष सर्वेक्षण अमीनों को कैथी लिपि का ज्ञान नहीं होने के कारण प्रपत्र 5 के संधारण में कठिनाई हो रही है। इसी से जुड़ी और खबर हम आपको बता दें कि हर जिले में 3 दिनों तक दी जाएगी इसकी ट्रेनिंग। अमीनों को कैथी लिपि का प्रशिक्षण देने के लिए 2 प्रशिक्षकों का चयन किया गया है। दोनों प्रशिक्षक मिथिला, मगध और भोजपुर की पूर्व से प्रचलित कैथी लिपि के प्रशिक्षण देंगे। हर जिले में 3 दिनों तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में 17 से 19 सितंबर तक पश्चिमी चंपारण में 3 दिनों का प्रशिक्षण सत्र आयोजित हो रहा है। 3 दिनों के प्रशिक्षण सत्र के बाद दूसरे जिलों में भी अमीन और बंदोबस्त पदाधिकारी को ट्रेनिंग दी जाएगी। उसी तरह से हम आपको बता दें कि यह ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है। और एक और इससे जुड़ी खबर आया कि दादा और पिता की जमीन पर 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50, 60 नहीं बल्कि 94 साल की वृद्ध महिला ने दावा कर दिया है कि हमें भी हिस्सेदारी चाहिए। यह अखबारों की हेडलाइन भी बना हुआ है। तो वृद्धा महिला जिनकी उम्र 94 साल बताया जा रहा है, वह अपने दादा और पिता की जमीन पर दावा ठोक दी है। जमीन सर्वे के लिए दस्तावेज जुटाने में बिहार के हर गांव के ग्रामीण हलकान है। इसको पेचिंदगियों की हर ओर चर्चा है, आप लोग भी कर रहे हैं, मगर जमीन सर्वे ने कई लोगों की खोई जमीन वापस पाने की आस भी जगा दी। मोतिहारी के घोड़सहन थाना के श्रीपुर कवैया के उत्तरवारी टोला की 94 साल की वृद्धा शैल देवी भी इसी आस में है। जमीन सर्वे से उम्मीद जगी है कि उनकी मायके की दादा और पिता की खोई हुई जमीन फिर से वापस मिल जाएंगी। बंसावली में बेटियों का भी नाम देना है। बंसावली बनाने के समय शैल देवी उनके दादा और पिता का नाम देना मजबूरी हो जाएगी। इस लिहाज से अपने पिता व दादा की जमीन पर उनका दावा और पुख्ता हो जाएगा, यानी कि जो भी बंसावली बनाए जा रहे हैं उसमें अपने पुत्र के साथ पुत्रियों का भी नाम देना होगा।
बंसावली कैसे बनाना है, तो बंसावली जिनके नाम से जमीन है वहां से शुरू करना है, और उनके बाद जितने भी पीढ़ियां आई हैं अगर दादा से बनाया जा रहा है तो दादा के नाम से, और उनके जितने भी बेटे हैं उनके भी जितने बेटा बेटी हैं सबको लिखना पड़ रहा है, बंसावली में देना होगा। तो इस तरह से अगर पिता किसी बेटी के पिता का अगर जमीन है और उनके भाई हैं तो बंसावली में पिता का नाम देते हुए जितने पुत्र हैं और जितनी पुत्रियां हैं उनका भी नाम देना होगा। और जब नाम दिया जा रहा है तो उनकी भी हिस्सेदारी बढ़ जाती है। एक बात और है कि अगर बेटियां अगर वह हिस्सा नहीं लेना चाहती हैं तो उनसे भी लिखाने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हो ना हो अगर भाई नहीं भी चाहे तो उनको बहन को उनका हिस्सा देना ही होगा। यह बातें भी खुलकर सामने आ गई है। 2015 के बाद हो गया इसका विवाद। सैल देवी के पोते संजय कुमार सिंह के अनुसार बताया जा रहा है कि सैल देवी अपने पिता स्वर्गीय राम इकबाल सिंह की इकलौती पुत्री है। स्वर्गीय इकबाल सिंह भी अपने पिता ब्रह्मदेव सिंह के इकलौते बेटे थे। इस लिहाज से दादा व पिता की संपत्ति पर सैल देवी का हिस्सा है। संपत्ति दादा के नाम पर है। पारिवारिक जमीन में उनके दादा ब्रह्मदेव सिंह के हिस्से लगभग 13 एकड़ जमीन थी। इसमें वर्ष 2015 में लगभग 2.5 एकड़ जमीन की बिक्री भी सैल देवी ने की। संजय कुमार के अनुसार बाद में कोरोना के समय दादी का मायके आना जाना कम हो गया। तो एक बार फिर से वृद्धा 94 साल की वृद्धा को उनकी खोई हुई जमीन वापस मिलने जा रही है। तो इस सर्वे में यह तो जरूर है कि भले ही लोग अपने ताकत के बदौलत जमीन को कब्जा कर ली या जोतने नहीं दे रहे हैं, उस पर घर नहीं बनाने दे रहे हैं, लेकिन जमीन सर्वे में जो हकदार उसका है उनको यह लाभ जरूर मिलेगा। समय भले ही लगे लेकिन उनका हक जरूर मिलेगा, उनका अपना जमीन जरूर मिल जाएगा। इस तरह की खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।